कानपुर हादसे के बाद योगी सरकार ने पिकअप और ट्राली ट्रैक्टर में यात्रा करने पर यानी सवारी बैठाने पर भारी जुर्माना लगाया हुआ है, लेकिन श्रावस्ती प्रशासन की नींद अभी भी नहीं खुल रही है। श्रावस्ती में पिकअप वाहन पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं पिकअप में सवार 21 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल घटना सिरसिया थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव के पास हुई, एक दर्दनाक घटना जिसमें एक साइकिल चालक को बचाने के चलते तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं इस हादसे में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिकअप में 25 से 30 लोग सवार होकर मल्हीपुर थाना क्षेत्र से सिरसिया के घोलिया जा रहे थे, तभी पिकअप शाहपुर के निकट अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में पिकअप सवार एक महिला और एक मासूम की मौत हो गई, जबकि चालक सहित 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से कई लोगों को गंभीर होने पर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें, श्रावस्ती में ऐसे साधनों पर ऐसे वाहनों पर यात्रा करना नियम के खिलाफ है, फिर भी प्रशासन अपनी नींद से नहीं उठ रहा है। आज 18 नवंबर थाना सिरसिया अंतर्गत से एक सूचना आई कि एक पिकअप है जो कि पलट गई है। उस सूचना पर जब हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं तो ये पता लगा है कि कुल 26 लोग थे जो इस पिकअप में सवार थे, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं और ये सब बढ़ई पुरवा मल्लीपुर के रहने वाले थे। वहाँ से ये लोग जा रहे थे घोलिया, वहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार ये लोग अटेंड करने जा रहे थे। ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे थे जो कि गोद में थे, और पिकअप का पलटने का कारण मेन ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर शायद नींद में था और अनियंत्रित होकर उसने पिकअप पलटा दिया। घर से निकल के विदिन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही ये घटना हुई है। बहुत ही रिमोट एरिया है, जंगल का एरिया है ये। सभी को उपचार के लिए CSC भिजवा दिया गया है। अभी तक 2 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, जिसमें एक महिला और एक बच्चे शामिल हैं। बाकी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।